साल 2020 इस सभी के लिए काफ़ी बुरा साबित हो रहा है, क्योंकि इस साल ना जाने अभी तक कितनी बुरी खबरें सुनने को मिली हैं। तो वहीं अभी आप सभी को बता दें कि हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से केरल आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान का दुर्घटना यानी कि लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल कर खाई में जा गिरा, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो गई, जिससे विमान के दो हिस्से हो गए। इस हादसे में पायलट समेत 17 लोगों की जान चली गई, 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दुखद मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और कुछ खिलाड़ियों ने अपना दुख जाहिर किया है। बता दें दोस्तों, कोझिकोड में एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हादसे में प्रभावित लोगों के लिए दुआ मांगी है, जहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही है। कोझिकोड में विमान दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जिनके चाहने वाले लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, उनके लिए मेरी गहरी संवेदना है। ऐसी बात विराट कोहली कहते हुए दिखाई दिए हैं अपने ट्वीट के जरिए। वहीं बात करें सचिन तेंदुलकर की, जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, तो सचिन तेंदुलकर ने भी इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है, क्योंकि काफ़ी दुखद घटना है ये। सचिन ने ट्वीट कर कहा है कि केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए हादसे में घायलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस दुखद दुर्घटना में अपनों को खोने और परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ये काफ़ी दुखद मौका है दोस्तों, क्योंकि साल 2020 के शुरुआत से हमें रोज़ कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिल रही है, जो काफ़ी बुरी साबित होती है। जहाँ कोरोना वायरस के चलते लगभग सभी क्रिकेट टूर्नामेंट रोक दिए गए थे, इससे बुरी बात कौन सी होगी क्रिकेट प्रेमियों के लिए। तो ऐसे में कभी विमान हादसा, कभी बम फट जाना, अभी एक देश में हाल ही में जो हुआ है, कभी बाढ़ आ जाना, ऐसी दुखद घटना हमें साल 2020 में लगातार देखने को मिल रही है।